व्लॉग्स बाय सुलेमान, अभी सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग्स बाय सुलेमान को, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग मजे में खुश हैं, ठीक ठाक हैं। और भोजपुरी सुपरस्टार खेसरी लाल यादव की आज उन्हीं के ऊपर हम वीडियो देखने जा रहे हैं। तो उनकी काफ़ी सारी फिल्म्स के हमने पिछले दिनों ट्रेलर्स देखे, वो उन काफ़ी इम्प्रेसिव थे ट्रेलर्स। एंड आप लोगों ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था खेसरी लाल यादव से, और अब हम भोजपुरी की फिल्म्स और भी कोई हों तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो हमें खेसरी लाल यादव का ही फ़िलहाल पता है, तो हम इनकी लाइफस्टाइल देखने जा रहे हैं, बायोग्राफी, इनकम, हाउस, फैमिली, कार, नेटवर्थ, वाइफ, तो सभी हमको पता चलेगा। जिस चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, रेवा वाले, तो इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक हम डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाकर उसे चेकआउट करें। ये वीडियो देखने के बाद करेंगे आपसे डिस्कशन, स्टे विद अस। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। अगर आप भी खेसारी लाल यादव की फिल्मों के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खेसारी लाल यादव का रियल नेम शत्रुघ्न कुमार यादव है। अच्छा। और ये प्रोफेशन से एक्टर और सिंगर है। खेसारी लाल यादव का जन्म 3 जुलाई 1986 को छपरा बिहार इंडिया में हुआ था, और 2021 के हिसाब से इनकी एज 35 साल हो गई है, और ये नेशनलिटी से इंडियन और रिलीजन से हिंदू है। खेसारी लाल यादव की हाइट 5'7" और इनका वेट 75 kg, आई कलर ब्राउन और हेयर कलर ब्लैक है। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। अब जानते हैं इनके करियर और डेब्यू फिल्म के बारे में। दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि खेसारी लाल यादव को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचने के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का संघर्ष और सामना करना पड़ा। खेसारी लाल की लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने डटकर सामना किया, कभी हार नहीं मानी। खेसारी लाल यादव की डेब्यू मूवी थी सायन चले ससुराल, जो की 2011 में आई थी, और इनके फर्स्ट म्यूजिक एल्बम का नाम था माल भिटाई मेला में। और खेसारी के गाने को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। लोगों के प्यार और चाहने वालों की वजह से खेसारी लाल यादव को फिल्म फिल्म में अभिनय करने का मौका दिया, और खेसारी लाल यादव को इसी मौके की तलाश थी। इसके बाद वे अपनी मेहनत के दम पर फिल्मी और संगीत की दुनिया में राज करने लगे, और खेसारी लाल यादव की ज्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट रहती हैं। दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, खेसारी लाल यादव को 2016 में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और 2017 में इनको दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और खेसारी लाल यादव को 2017 में यूपी रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ खेसारी लाल यादव ने साबित किया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल ही जाती है। आप जानते हैं खेसारी लाल यादव की फैमिली के बारे में। खेसारी लाल यादव के फादर का नाम मंगरू लाल यादव है, और वह एक किसान हैं, और इनकी मदर का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन वह एक होम मेकर है। और खेसारी लाल यादव की 2006 में मैरिज भी हो चुकी है, और इनकी वाइफ का नाम चंदा देवी है। खेसारी लाल यादव की एक डॉटर और 2 सन भी हैं। डॉटर का नाम कीर्ति यादव, सन का नाम युगराज यादव और ऋषभ यादव है। आप जानते हैं इनके हाउस के बारे में, रहते कहाँ हैं। खेसारी लाल यादव अपने फैमिली के साथ बिहार में रहते हैं। हाउस नहीं दिखाया। अब जानते हैं कि कार कलेक्शन के बारे में। खेसारी लाल यादव की फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है, यहाँ 2 करोड़, और इनके पास एक स्कॉर्पियो कार भी है जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। हाँ, बहुत मशहूर, मतलब पसंद की जाती है। लाल यादव के पास एक बुलेट बाइक भी है जिसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए है, और इनके पास एक पल्सर भी है, मुझे बहुत पसंद है। आप जानते हैं खेसारी लाल यादव की सैलरी के बारे में, ये पर फिल्म कितना चार्ज लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर में से एक हैं, और इनकी पर फिल्म चार्ज है 35 से 40 लाख रुपए। आप जानते हैं खेसारी लाल यादव के नेटवर्थ के बारे में। खेसारी लाल यादव का नेटवर्थ लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए है। 15 से 20 करोड़। तो जी, एक चीज तो ये है कि इनका घर मैंने देखने का बड़ा था कि घर भी दिखाए, उसके लिए हम कोई ढूंढेंगे, अगर हम इनके घर के कोई वीडियो मिल जाए तो हम सेपरेट वीडियो और करेंगे। बताने कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे महंगे एक्टर हैं, सबसे ज्यादा लेते हैं, और ये लेते हैं जी 30-40 लाख ना। भोजपुरी फिल्म जो है ना, जिस बजट पे बनती है ना, तो वो बहुत हाई बजट की फिल्म मेरा नहीं ख्याल बनाते हैं, लेकिन जिसमें वो बनाते हैं ना, उसमें सबसे हाईएस्ट
खेसरी लाल यादव लेते हैं, जो कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सी मुश्किलें भी देखी लेकिन उसके बावजूद वो डटे रहे। अच्छा मैंने देखा शुरू में इस तरह से बॉडी नहीं थी, अब थोड़े बहुत जैसे टाइम गुजर देखा फिर बॉडी बनना शुरू हो गई ना। शत्रुघ्न कुमार यादव इनका नाम असल है, यह भी हमें नहीं पता था। तीन बच्चे हैं, एक बेटी दो बेटे और किस तरह से इनकी स्ट्रगल रही वो भी हमें इन्होंने बताया। और सिंगिंग भी इनको पसंद थी, फिर इनको फिल्मों में भी चांस मिला। हमने इनका कोई देखा हुआ है ना, क्या इन्होंने खुद भी गाना गाया था? हाँ, हमने इनकी काफ़ी ट्रेलर्स देखे हैं जिनमें इन्होंने खुद भी गाना गाया हुआ है। और बाकी ये है कि उसके बाद से फिर इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, जो कि बड़े ही प्रेस्टीजियस अवार्ड्स हैं इंडिया के, वो उनसे सम्मानित किया गया और भी अवार्ड्स मिले काफ़ी। तो ये चीज़ें हमें फर्स्ट टाइम पता चल रही है। बाकी इनकी फैमिली के बारे में पता चला। कार्स की बात करें तो फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो सलमान से हुई थी कि काफ़ी एक्टर्स के बहुत लोग बहुत एक्टर्स पसंद करते हैं। दो बाइक्स, बजाज पल्सर और रॉयल इनफील्ड पल्सर हमें भी बहुत पसंद आई थी जब हमने बाइक्स की वीडियो देखी थी। हम कोशिश करेंगे इनकी कोई अपडेटेड वीडियो भी लेके आए, ये एक दो साल पुरानी है, हो सकता है अब अपडेट हो चुका। अब हो सकता है इनकी सैलरी भी बढ़ गई हो, इनकी कार्स भी चेंज हो गई, उन्होंने घर भी कोई और ले लिया हो, तो हम ज़रूर लेके आएंगे। बाकी आप जो जानते हैं इनके बारे में वो हमें आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो हमने कहा बहुत टाइम से भोजपुरी एक्टर या भोजपुरी फिल्म पे कोई वीडियो नहीं लाए, तो आज लेके आते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अगर अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब और व्लॉग पे जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटोज और अपडेट्स के लिए। सो इसी तरह आपके लिए हम लोग नए और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस लाते रहेंगे डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।